थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया है आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है दोस्तों, बेस्ट वे टू फाइंड मैकेनिकल डिजाइन जॉब 2020। दोस्तों जो लोग फ्रेशर्स हैं, 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में है, सर्विस फील्ड, ऑपरेशन और डिजाइन फील्ड, तो वो लोग के बारे में आपका मैकेनिकल डिजाइन इंडस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ व्यू देने के लिए हम ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या विषय में बात करेंगे, क्या क्या कैट सॉफ्टवेयर्स आपको जानना चाहिए, क्या क्या कैट सॉफ्टवेयर्स का आपका डिमांड हाईएस्ट चल रहा है, और क्या क्या कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे भी अप्लाई करोगे वो भी हम बोल देंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो अंत तक देखिए। तो हम स्टार्ट करता है, तो आज का जो मार्केट चल रहा है इधर में आपका बेस्ट मैकेनिकल जो सॉफ्टवेयर का डिमांड मार्केट में है वो है क्रियो 8.0। तो क्रियो 8.0 में आपका ऑटोमोटिव फील्ड, मशीनरीज फील्ड एंड प्लांट डिजाइन फील्ड इंक्लूड होता है। इसमें क्रियो 8.0 का अंदर आपको सरफेस मॉडलिंग, पार्ट मॉडलिंग, हेवी मशीनरीज, असेंबलिंग, डिजाइन, प्लांट डिजाइन, हर एक चीज में आपको डिमांड है मार्केट में। तो क्रियो सॉफ्टवेयर आप लोग सीख सकते हो। ये थोड़ा इंटरमीडिएट के लिए है, एकदम फ्रेशर्स और न्यू बिगिनर्स के लिए नहीं है। सो क्रियो सॉफ्टवेयर का आप डिमांड हम आपको बोल दिया है। उसके बाद आता है सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क्स का डिमांड हर टाइम मार्केट में चलता है। सॉलिड वर्क्स एमएनसी से मीडियोकर कंपनी तक सब लोग यूज करता है। मशीनरीज, प्लांट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन में सॉलिड वर्क्स यूज होता है। तो सॉलिड वर्क्स बहुत ही बिगिनर्स लेवल का एंड वेरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। फ्रेशर्स और बिगिनर्स इसको सीख सकते हैं। इसमें बड़ा से बड़ा मशीनरीज का असेंबली एंड रेंडरिंग तक इसका कैपेबिलिटी है करना। तो आप लोग, हम क्रियो 8.0 के बाद सॉलिड वर्क्स का रेटिंग दिया है। उसके बाद आता है मार्केट में कैटिया और यूजीएनएक्स। एक कैटिया ज्यादातर ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज होता है और यूजीएनएक्स मशीनरीज, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, जो कार ऑटोमोटिव पार्ट डिजाइन का इन ट्रिम एंड आउट ट्रिम डिजाइन है उसमें भी यूज होता है। तो यूजीएनएक्स और कैटिया का डिमांड हम 3 नंबर में रखा है। उसके बाद आता है ऑटोडेस्क इन्वेंटर और ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर सॉलिड एज। ये सब कैट सॉफ्टवेयर, सॉलिड एज, ऑटोडेस्क इन्वेंटर ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता है, छोटा इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री में, जिधर में ज्यादा बड़ा बड़ा असेंबली पार्ट से काम नहीं होता है वो सब में आपका ऑटोडेस्क इन्वेंटर, सॉलिड एज यूज होता है। तो बिगिनर के लिए हम बोलेंगे पहले सॉलिड वर्क सीखिए, उसके बाद क्रियो सीखिए, यूजीएनएक्स, सॉलिड एज तो आप सीख ही जाएंगे। उसके बाद कुछ ज्यादातर अलग टाइप का सॉफ्टवेयर है, विंडचिल, एफईए सॉफ्टवेयर, एनसिस, ये सब आप लोग पहले कैट सॉफ्टवेयर सीखने के बाद इसको ट्राई कीजिए। तो कैट इंजीनियर और नॉर्मल डिजाइन इंजीनियर होने के लिए आपको कैट सॉफ्टवेयर्स का जरूरत होगा और 2D ड्राफ्टिंग के लिए आप लोग क्या कर सकता है, ऑटो कैड 2018 हो सकता है, 16 हो सकता है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उधर में ड्राइंग बनाना सीखिए, ड्राफ्टिंग करना सीखिए, तो यही मार्केट में आपको चलेगा। तो हम इधर में कुछ कंपनीज का भी ऐसा डिफरेंशिएट किया है। आप लोग कैट सॉफ्टवेयर तो सीख लिया है, उसके बाद कैसे, कौन सा कंपनी में क्या क्या जॉब रोल में आप एलिजिबल होंगे उसके बारे में थोड़ा बात करता है। इधर में मार्केट में अभी चलता है सर्विस बेस्ड कंपनीज कुछ है, इधर में कुछ नाम भी दिया हुआ है, बाद में हम डिटेल बोल रहा है। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो इधर में सर्विस बेस्ड कंपनीज देख रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, तो आपको ये दो टाइप का कंपनी में जॉब मिलेगा। सो पहले जो हम जाता है कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए, देखिए इधर में जो एक आर्टिकल है हम ढूंढ के ले आए आपके लिए, 20 मोस्ट प्रॉमिसिंग इंजीनियरिंग सर्विस
डिजाइन सर्विस प्रोवाइडर्स 2018। तो इधर में आप लोग देख सकते हैं कुछ अच्छा अच्छा कंपनी का हम नाम, इसका कंपनी का डिस्क्रिप्शन इधर में दिखा रहा है। देखिए, 3D इंजीनियरिंग ऑटोमेशन, एडवांस कैट, डिजाइन टेक सिस्टम से बहुत ही बड़ा कंपनी है। तो ये सब आपका सर्विस बेस्ड कंपनी है। आप ये लोग को नौकरी और लिंक्डइन में सर्च करके ये सब में अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट आपका सर्विस बेस्ड कंपनी, देखिए इंडिया में अभी बेंगलोर, पुणे एंड कुछ अच्छा अच्छा लोकेशन में बहुत बड़ा बड़ा सर्विस कंपनी है। ये लोग पे पैकेज भी बहुत अच्छा देता है फ्रेशर्स लोगों के लिए और एक्सपीरियंस लोगों के लिए। तो ये हम सब डिजाइन सर्विस कंपनी का देखा दिया, ये सब बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज, नेल सॉफ्ट है, हम इस इंडस्ट्री में काम करता है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस और जो जो हमारा नॉलेज है वही आपके साथ शेयर कर रहा है। तो इधर में देखिए बहुत अच्छा अच्छा हम बड़ा बड़ा कंपनी का जो सर्विस बेस्ड कंपनी बोला है उसका ये है। तो हम सर्विस बेस्ड कंपनी को छोड़ के कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएंगे तो क्या होगा, जेसीबी, एस्कोर्ट, एलएनटी, कामात्सु, ऐसे सब माइनिंग मशीनरीज, हाइड्रोलिक्स कंपनीज आपके लिए खुला हुआ है। इधर में कुछ क्रशिंग और माइनिंग फील्ड के लिए में आप जाएंगे, कुछ बड़ा बड़ा कंपनी आपको इधर मिल जाएगा, जैसे टेरेक्स, प्रोपेल, आपका इधर में प्रोमैन हो गया, टाउरियन हो गया, ये सब माइनिंग कंपनी है। ये सब में डिजाइन फील्ड में आप काम करेंगे तो आपको सॉलिड एज, सॉलिड वर्क्स एंड क्रियो, ये सब में ये लोग काम करता है। तो पहले तो आपको सब सीख के इस सब कंपनी में एंट्री करना होगा। कुछ बड़ा बड़ा हाइड्रोलिक्स और मशीनरीज कंपनी भी आपके पास सामने है, जैसा BEML है, JCB है, टाटा हिताची है, हुंडाई है, कामात्सु है, लार्सन टुब्रो है, सैनी इंडस्ट्रीज है, वॉल्वो, दुसान, ये सब मशीनरीज कंपनी है। ये सब बहुत बहुत रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा खर्चा करता है। तो इसमें आपको ये सब सॉफ्टवेयर सीखने के अच्छे पैकेज में आप ये सब में ज्वाइन कर सकता है। ये तो हम बोल दिया कैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज हुआ, कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हुआ, हम कुछ आपको सॉफ्टवेयर का बारे में भी नॉलेज दे दिया, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको सीखना है। अभी हम बोलेंगे कैसे आप अप्लाई करेंगे, बेस्ट वे टू अप्लाई इन मैकेनिकल डिजाइन जॉब्स थ्रू लिंक्डइन। फास्ट जो सॉफ्टवेयर, फास्ट जो वेबसाइट आपके लिए है वो लिंक्डइन है। इसमें आप हाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, फास्ट आप इधर में लिंक्डइन पे जाके अच्छे से प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, एक अच्छे से आपका प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन दीजिए, जैसे हम हमारा इधर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छे से जो प्रोडक्ट प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन है इधर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जाके क्या करेंगे, जॉब्स में जाइए, जॉब्स में जाके सर्च कीजिए आपका मैकेनिकल डिजाइन जॉब्स, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर। तो आप देखेंगे आपका पूरा इंडिया का अंदर बहुत ही डिमांड है, देख सकते हैं इधर में बहुत डिमांड है। आप इधर डायरेक्ट लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं, देखिए बहुत बहुत डिमांड है डिजाइन इंजीनियर जॉब्स के लिए। इधर में आप कंपनी का नाम सर्च करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं, देखिए ऐसे सब जॉब आ रहा है, ये सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। बा आप क्या कर सकते हैं, इधर में एक कंपनी में जाइए, डिजाइन टेक कैडेंस, ये एक कंपनी है। इस कंपनी का प्रोफाइल में हम जाता है, उसके बाद इसका जॉब सेक्शन में जाता है। इधर में हम जॉब सेक्शन में जब जाएंगे, इधर में इसका जो डिजाइन इंजीनियर का वैकेंसीज है वो सब हमको मिल जाएगा। तो अभी का दिन में लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट है फ्रेशर्स और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों के लिए जॉब खोजना। तो इधर से आप अप्लाई कर सकता है, और आपका फील्ड में भी कुछ कुछ जगह में ऐसे वैकेंसी का आपका रिक्वायरमेंट आते रहेगा। तो ये है फर्स्ट लिंक्डइन, इस बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद आता है नौकरी, नौकरी में आप दे सकते, इधर वे भी हम एक अकाउंट बना के रखा है। इधर में आप बड़ा बड़ा कंपनी जो है उस सब में अप्लाई कर सकते हैं।
जिधर हम थे, तो आपका जिंदल स्टेनलेस स्टील एस्कॉर्ट सर्विस, एस्कॉर्ट जो कंपनी है, सीए टायर्स, ये सब कंपनी आप नौकरी से ढूंढ सकते हैं, उसमें आपको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद इधर में आप जस्ट सर्च कीजिए डिजाइन इंजीनियर जॉब्स। देखिएगा आपका बहुत बहुत ये ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, एटलांटिस सर्विस बेस्ड कंपनीज, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, ये सब में एक सब कंपनी का बहुत ही डिमांड है। आप देख सकते हैं हर एक कंपनी का डिमांड इधर देख सकता है आपको बहुत ही। देखिए क्रियो का डिमांड है, हम जो बोला क्रियो का बहुत ही इधर रिक्रूटमेंट हो रहा है। इधर में क्रियो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर में रिक्रूट हो रहा है। इधर में इलेक्ट्रिकल का भी बहुत डिमांड है। आप मैकेनिकल डिजाइन में इधर में देख सकता है। ऐसे करके आप नौकरी से एक्सपीरियंस का हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद इधर में आप एक काम कर सकता है, सोचिए इधर में एक आप सर्च किया, मैं डिजाइन इंजीनियर बाद में होगा, इधर में सर्च कर सकता है जेसीबी इंडिया, जेसीबी इंडिया सर्च किया। जेसीबी इंडिया का रिगार्डिंग जितना भी जॉब है इधर में आप आ सकता है। इसको छोड़ के भी आप कुछ बड़ा कंपनी पकड़ लीजिए, इधर में तो दिखाता है ऐसे सब मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर का जॉब्स इधर आता है। आप इधर में प्रोफाइल को अच्छे से बिल्डअप कीजिए, प्रोफाइल को अच्छे से बिल्डअप आप जब कीजिएगा, ऐसे देखिए हम बिल्डअप किया है, रिज्यूमे देके, हेडलाइंस देके, की स्किल्स देके, एम्प्लॉयमेंट देके, पूरा देके जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही डिमांड मिलेगा इस जॉब में। ठीक है, अभी देखिए इधर में डिजाइन के लिए बहुत ही स्किल्स है आपका बेंगलुरु में, पुणे में, हैदराबाद एंड कोलकाता में, तो बहुत ही ग्रोथ हो रहा है। आप अच्छे से इसको यूज कीजिए। इधर में देखिए आप एक कंपनी का अंदर में जाएंगे तो कंपनी का रिक्रूटमेंट आ जाएगा, कंपनी का डिटेल्स में जाएंगे तो बॉस के अंडर में क्या क्या डिजाइन इंजीनियर दे रहा है इधर में दिखा देगा। तो फर्स्ट है लिंक्डइन, सेकंड है नौकरी। आप कमेंट कीजिए आप सेपरेट वीडियो चाहता है कि नहीं चाहता है लिंक्डइन और नौकरी में कैसे आप जॉब सर्च करेंगे, वो भी कमेंट कीजिए जरूर। तो ऐसे करके ही आज का वीडियो था। आज का वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस किया, हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया, कौन सा किन फील्ड में यूज होता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर है। आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस मेरा चैनल में भी मिल जाएगा। हम कंपनीज का भी बात किया, कैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, कैसे आप अप्लाई करोगे। और एक जो गुड न्यूज़ है वो है रिसेंट टाइम में 2022 में सबसे ज़्यादा डिज़ाइन रिलेटेड जॉब्स का ग्रोथ हो रहा है मैकेनिकल इंडस्ट्री बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद लोकेशन में। सो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है सबके लिए। सो पहले आप सॉफ्टवेयर सीखिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, एक अच्छा मैकेनिकल डिज़ाइन में करियर बनाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपका दोस्तों के साथ। थैंक यू ऑल, जय हिंद।